हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन अकेडमी वंस अगेन। सो दोस्तों, कैप्सूल कोर्स फॉर गेट 2021 मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग बाय गौरव बाबू, स्वागत करता हूँ दोस्तों आपका एक बार फिर से इस वीडियो में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद माय लिटिल इंट्रोडक्शन। दोस्तों, जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम गौरव बाबू है और मैं पिछले कई सालों से गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की फील्ड में पढ़ा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। और ये स्लाइड मेरे बारे में लिटिल इंट्रोडक्शन शो कर रही है। दोस्तों, अन अकेडमी में मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर मेजर सब्जेक्ट्स को डील करता हूँ, लाइक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मटेरियल साइंस। एंड ये सारे सब्जेक्ट दोस्तों ईश्वर की कृपा से इक्वली एफिशिएंसी के साथ पढ़ाता हूँ मैं। तो एक बार जाइए और लेट्स क्रैक गेट एन एसी, जो हमारा दूसरा चैनल है अन अकेडमी का, उस पर जाके मेरे इन वीडियोज को देखना स्टार्ट करिए। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं, मेरी बातें समझ में आती है, आप मोटिवेटेड फील करते हो, तो यू पीपल आर मोस्ट वेलकम। और आप मुझे अन अकेडमी पे ज्वाइन कर सकते हो, मतलब अन अकेडमी मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये मुझे फॉलो करने का लिंक है जो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डियर फ्रेंड्स। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, आप अन अकेडमी के पेज पर जाओगे और मेरी प्रोफाइल आपको वहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई देने वाली है। करेंटली आई एम इन द 16th पोजिशन। ये पुरानी स्लाइड है दोस्तों, और बेटा माफी चाहूंगा, मैं स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाता हूँ एक्चुअली, बट आपको पता है मैंने स्टार्टिंग से बता दिया था कि अभी मैं अपने घर पे नहीं हूँ, जहाँ पे मतलब मेरा स्टूडियो सेटअप है, जहाँ पे मेरा स्मार्ट बोर्ड है वहाँ पे मैं नहीं हूँ। इसलिए आप मुझे छोटी सी स्क्रीन पर देख रहे हो और इसीलिए जो अपडेटिंग वाला काम है वो भी नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, मैंने स्टार्टिंग से आपको बोल दिया था। तो दिस इज द ओल्डर स्लाइड और ये अभी मैं करंटली 16th पोजीशन पे हूँ, इंक्लूडिंग ऑल द ब्रांचेस। अगर सारी ब्रांचेस के एजुकेटर्स को हम इंक्लूड करें तो मैं ऑल इंडिया में 16th पोजीशन पे हूँ, लाइक सिविल, मैकेनिकल, ईसी, इलेक्ट्रिकल सबको मिला लें तो 16th पोजीशन। बट अगर केवल मैकेनिकल को मिला लें, यानी केवल मैकेनिकल की बात करें, तो करंटली आई एम द टॉप 10 एजुकेटर्स एंड माई करंट पोजिशन इज द 7th, यानी कि मैं इंडिया के टॉप 10 एजुकेटर्स में आता हूँ मैकेनिकल में। और इस सब का श्रेय दोस्तों आपको देता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ कि आपके दुआओं से ही ऐसा हो पाया है। इसके अलावा दोस्तों, वो स्टूडेंट जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो दोस्तों मुझे बेहतर वे में जानने के लिए डेडिकेशन को एक बार पढ़िए। दीज आर द फीडबैक्स, ये बच्चों के फीडबैक्स हैं बेसिकली, जो मुझे फॉलो करते हैं, मुझे मतलब जो मेरे प्लस के स्टूडेंट्स हैं या यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके डेडिकेशन हैं, एक तरह का फीडबैक है ये। तो इस फीडबैक को पढ़िए तो आपको मुझे मेरे मेरे बारे में बेहतर जानने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, एजुकेटर एक्सीलेंस अवार्ड मिला मुझे जुलाई 2020 में एंड सेप्टेम्बर 2020 में भी मुझे मिला, और ये दोनों अवार्ड दोस्तों मैं अपने स्टूडेंट को समर्पित करता हूँ। नाउ दो मिनट उनसे बात करूंगा जो बिल्कुल फ्रेशर है, अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों। तो आपने अगर अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप बहुत पीछे हो दोस्तों। मैं बोलूंगा कि प्लीज इसको डाउनलोड करिए, खासतौर से न्यू स्टूडेंट जो पहली बार आ रहे हैं चैनल पर। दोस्तों, इसको डाउनलोड करने से आपको क्या मिलता है, आपको स्पेशल क्लासेस एक्सेस करने को मिलती है, स्पेशल क्लासेस। अब ये स्पेशल क्लासेस क्या भैया, जिस तरह से आप बेटा YouTube की क्लासेस देखते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसी चले से स्पेशल, उसी तरह से स्पेशल क्लासेस होती है। दीज आर ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस, ठीक है। इन फ्री क्लासेस को देखिए, सर्च करिए अनअकैडमी के ऐप में जाके गौरव बाबू, माई नेम गौरव बाबू, एंड स्टार्ट वॉचिंग माई फ्री स्पेशल क्लासेस, ठीक है। पहले क्लास का नाम मत डालिएगा, वरना बहुत सारे अदर एजुकेटर्स भी खुल के आ जाएंगे। आप गौरव बाबू सर्च करिए, उसके बाद उसमें कई सारे कोर्सेज आपको दिखाएगा, वो कंप्लीट कोर्सेज, स्पेशल क्लासेस वगैरह वगैरह। तो स्पेशल क्लास में क्लिक करिए, वहां से मेरी कुछ बेहतरीन स्पेशल क्लासेस को देखना चालू करिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए दोस्तों। रिसेंटली मैंने लेट्स क्रैक गेट एन ईएसई चैनल जो हमारा है, लेट्स क्रैक गेट एन ईएसई एक चैनल का नाम है एमई में, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो वहां पे मैंने दोस्तों, यूट्यूब का ही चैनल है अपना, अनअकैडमी का ही है, उस पर 51 लेक्चर्स, माइंड इट प्लीज, 51 लेक्चर्स की सॉम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी आप इसको बोलते हो, पूरा कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, पूरा डिटेल्ड में। SFD BMD अगर जिंदगी में समझ नहीं आया तो सीरीज को करिए, अगर आपको कभी स्ट्रेस एंड डायग्राम समझ में नहीं आया तो सीरीज को करिए, आपको डिफ्लेक्शन में दिक्कत आती है तो सीरीज को करिए, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कभी समझ में नहीं आया तो सीरीज को करिए, माय डियर फ्रेंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सीरीज। और बहुत सिंपल से शब्दों में बता दूं, अगर ये सीरीज नहीं करी, कुछ नहीं किया बेटा आपने, फिर आप गौरव बाबू को देख ही नहीं पाए, जान ही नहीं पाए। तो दोस्तों, अगर आप मुझे बेहतर वे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो स्टार्ट वॉचिंग दिस सॉम सीरीज। इस चैनल पे नहीं मिलेगी, इस चैनल का नाम मैकेनिकल आर्मी है, एक और चैनल है हमारा जिसमें मैं पढ़ाता हूँ, डिटेल में पढ़ाता हूँ बेटा चीजों को, तो वो है लेट्स क्रैक गेट एन ईएसई एमई, लेट्स क्रैक गेट एन ईएसई एमई मैकेनिकल का। तो उस पर सोम पढ़िए बेटा, 51 लेक्चर, ये लेक्चर आधे आधे घंटे के नहीं है, ये लेक्चर है ढाई ढाई घंटे के, दो दो घंटे के, चार चार घंटे के, छह छह घंटे के, कैन यू इमेजिन, करीब 140 घंटे का सोम है वहां पे। बड़े बड़े कोचिंग्स में बेटा 140 घंटे में सोम नहीं होता, तो जाइए देखिए सोम में। अगर आपको डर लगता था कभी, मेरा प्रॉमिस है दोस्तों, आपका डर भग जाएगा, रिपीट माय पॉइंट। और इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, देखिए अभी भी 51 लेक्चर के बावजूद भी कुछ टॉपिक मैंने इस सीरीज में कवर नहीं किए हैं, जैसे कि कॉलम। कॉलम आपको स्पेशल क्लासेस से देखना है, किससे, फ्री स्पेशल क्लासेस से, यानी कॉलम आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, मैंने कॉलम यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया, कहाँ पे पढ़ाया, स्पेशल क्लासेस में। तो 51 लेक्चर यहाँ से देख लो और कॉलम आपको यहाँ से देखना है।
इसके अलावा बेटा थ्योरी जो फेलियर भी कवर नहीं करी है मैंने वहां पे, तो 51 लेक्चर वो प्लस कॉलम के लेक्चर्स प्लस थ्योरी जो फेलियर फ्रॉम द स्पेशल क्लासेस, तो ये स्पेशल क्लासेस से थ्योरी जो फेलियर देख लिया। इस तरह से आपका पूरा पूरा का पूरा सॉम कंप्लीट। जाइए दोस्तों देखिए एक बार, मजा आ जाएगा। वेल्डिंग के लेक्चर दोस्तों आपके लिए बनाए हुए हैं मैंने, वेल्डिंग देखिए गेट 2021 के लिए। मेटल फॉर्मिंग के 12 लेक्चर आप लोगों के लिए गेट 2021 के लिए, जाइए देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी के ऐप पे। इसके अलावा दोस्तों नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग के 5 लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू गाइस, आपके लिए दोस्तों यूट्यूब वाले बच्चों के लिए बनाता हूँ, तो जाइए देखिए। इतना सारा कंटेंट है और क्वालिटी कंटेंट है, ऐसा नहीं है कि हवाबाजी करी गई है, आपको क्वालिटी नजर आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इनको देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ पाउडर मेटलर्जी को पढ़िए, जाइए देखिए मजा आएगा। नाउ अब ये जो स्लाइड आप देख रहे हो बेटा, ये स्लाइड उन बच्चों के लिए है जो कभी सोच के बैठे थे कि मैं गेट की प्रिपरेशन करूंगा, आईएएस की प्रिपरेशन करूंगा। तो भैया ऐसा है, गेट और आईएएस की प्रिपरेशन करने के लिए हवाबाजी नहीं चलेगी। क्या नहीं चलेगी? हवाबाजी। हवाबाजी करोगे तो फिर बेटा कोई फायदा नहीं है। अगर आप डेडिकेटली पढ़ना चाहते हो, आपने कभी सोचा है कि हाँ गौरव सर मैं तो सोच के बैठा हूँ मुझे कोचिंग करनी है या मुझे ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना, तो भैया दिस इज द राइट टाइम। इस तरह से टुकड़ों में मत पढ़ो कि 2 लेक्चर प्लस से स्पेशल से पढ़ लिए, 2 लेक्चर यूट्यूब से पढ़ लिए। नो यार, ये उन बच्चों के लिए जो बेचारे नहीं कर पाते, नहीं ले पाते सब्सक्रिप्शन किसी वजह से। अगर आप सक्षम है, आपके पास पैसा है, यू आर कैपेबल टू बाय अ सब्सक्रिप्शन, देन गो अहेड, चाहिए प्लस सब्सक्राइब्स करी, प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए दोस्तों, आज नहीं तो कल, मेहनत आपको करनी है, माइंड इट प्लीज। तो वेट मत करिए कि नहीं साहब मैं तो 2 साल 1-4 महीने बाद दूंगा गौरव सर, अभी तो मैं क्या चेक कर रहा हूँ गौरव सर, मैं तो ये देख रहा हूँ पहले यूट्यूब पे कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, फिर हाँ अच्छा लगेगा तो मैं, भैया अच्छा तो लगना है वो तो भूल ही जाओ, क्योंकि बेटा सारे बड़े बड़े कोचिंग्स के भी जो फैकल्टीज है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, वो अनअकैडमी पे भाई, चाचा कहाँ पे है, अनअकैडमी पे। तो कहीं नहीं जाना है आपको, सारे एजुकेटर्स अनअकैडमी पे भैया, तो भटकिए मत, क्वालिटी देखिए क्या क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जज जाइए चेक करिए, पहले हमारा कंटेंट देखिए, दुनिया का कंटेंट देखिए, लौट के बेटा यहीं पे आओगे, प्रॉमिस है मेरा, प्रॉमिस है मेरा, क्योंकि इतने बेहतरीन एजुकेटर्स अनअकैडमी के ऊपर हैं बेटा, चॉइसेस आपको मिलती है, आपके पास बाउंडेशन नहीं है कि आपको एक फैकल्टी का समझ में नहीं आ रहा तो दूसरे दूसरा नहीं मिलेगा आपको। अरे भैया इतने सारे फैकल्टी एक ही ब्रांच के अंदर है कि आप परेशान हो जाओगे किससे क्या पढ़े। इसलिए इसलिए देखिए अनअकैडमी के ड्रॉबैक भी मैं बोल सकता हूँ इस बात को कि आप परेशान हो जाओगे किससे क्या पढ़े, इसलिए कोड डाला जाता है बेटा। इस कोड का पर्पस समझिए, आज कोड होता है गाइडलाइन के लिए, ये कोड जो है बेटा, ये कोड एक्चुअली आपको पेमेंट करने से पहले डालना होता है। दिस इज माई कोड जीपीएस लाइव। इस कोड को डालने का मतलब है कि आप गौरव बाबू को, यानी कि मुझे चूज कर रहे हो एज योर मेंटर, मैं आपको गाइड करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि किस फैकल्टी से आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट तो मैं डील कर लूंगा, आपके 5 सब्जेक्ट तो मैं डील कर लूंगा, बचे आपके जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि 50% सिलेबस तो मैं कवर करूंगा, बचा वो 50% सब्जेक्ट के लिए कौन बेस्ट है, टॉम के लिए कौन बेस्ट है, थर्मल के लिए कौन बेस्ट है, किससे क्या पढ़ना चाहिए, आई विल गाइड यू, आई विल सजेस्ट यू, ठीक है, और कैसे पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें मिलेंगी आपको मेरी गाइडलाइन में। ठीक है, बाकी बेटा ये बेनिफिट्स हैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के, तो जाइए दोस्तों, टाइम वेस्ट मत करिए, आज नहीं तो कल, मेहनत आपको करनी है तो आज से ही क्यों नहीं। ठीक है, दिस इज द राइट टाइम। और मैं तो बोलूंगा जो बच्चे थर्ड ईयर में हैं, जो 2022 पेपर देने जा रहे हैं गेट का, 2022 पेपर, गेट 2022 वाला, तो भैया आप लोग लेट हो सर, आप लोग नेता मत बनिए, आप अपना दिमाग ज्यादा लगाते हो, दिक्कत ही आप लोगों के साथ। अगर आप गेट 2022 देने जा रहे हो तो आप 4 महीने लेट हो सर, सेप्टेम्बर में स्टार्ट कर देना चाहिए, 2 महीने लेट हो आप, आपको अगस्त और सेप्टेम्बर में स्टार्ट कर देना चाहिए थी प्रिपरेशन अपनी, क्योंकि बेटा 1 साल तो प्रिपरेशन में लगेगा ही लगेगा, दिमाग से निकाल देना कि 2 महीने में तैयारी हो जाती है, 2 महीने में तैयारी उनकी होती है जो बहुत पहले से पढ़ के बैठे हुए हैं, वो रिविजन करते हैं वो बच्चे, आपको लगता है कि नहीं आप बहुत बड़े 30 मार्क आए, आप 6 महीने में गेट निकाल देंगे, तो बेटा हवाबाजी ना करें, 1 साल डेडिकेशन का आपको देना ही पड़ेगा, दिमाग में चीज बैठा लो। और बेटा ये कुकुर मुत्तों की तरह मत पढ़ो कि एनएलसी का एग्जाम आ रहा तो लगा एनएलसी का पढ़ लूँ, फिर बिजाक का आ रहा वाइजक स्टील का तो वाइजक का पढ़ लूँ, फिर गेट का आ रहा तो गेट का पढ़ लूँ, ऐसे बच्चे कभी सेलेक्ट नहीं होते। सेलेक्ट वो बच्चे होते हैं जो इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग को समझते हैं। मेरा बच्चा बेटा कभी भी ना किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करता, मेरा बच्चा इंजीनियरिंग की तैयारी करता है, इंजीनियरिंग को समझता है, तो मैं उसको दिमाग में यही बैठाता हूँ बेटा इंजीनियरिंग समझ, क्योंकि जो भी पेपर देगा उसमें इंजीनियरिंग आएगी, और चूंकि आपको इंजीनियरिंग की नॉलेज होगी तो आपका हर पेपर निकलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बच्चे गलती करते हैं, क्या कहते हैं वो वाइजक स्टील आ रहा, चलो वो वाइजक का तैयार कर लें, फिर यूपीपीएससी आ रहा, ओ चलो यूपीपीएससी का तैयार कर लें, क्या हवाबाजी कर रहे हो, क्या कर क्या रहे हो तुम, ऐसे पेपर निकलते हैं, ऐसे एग्जाम निकलते हैं, अरे आपको स्ट्रेटजी ही नहीं पता है, स्ट्रेटजी नहीं पता, आप लोग 30 मार्क का बनते हो अपने आपको, यही सबसे बड़ी गलती है आपकी। आपको लगता है ओ वाइजक का एग्जाम 4 महीने, चलो जरूर वाइजक की तैयारी करते हैं, फिर ओ अब बार का एग्जाम आ रहा, चलो बार, भैया सारे एग्जाम में क्या आएगा, इंजीनियरिंग आएगी और आपका एप्टीट्यूड आएगा, यानी कि नॉन टेक्निकल पार्ट, तो ये दो चीज तैयार करो ना, ये दो चीज पे फोकस करो, इंजीनियरिंग को सीखो और एप्टीट्यूड को सीखो, यानी कि जो आपका जनरल जनरल स्टडीज है, मतलब जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है,
इन दो चीजों को सीख लो, मतलब टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, फिर दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठो आप, चाहे फिर आप पीएसयू में बैठो, चाहे एनएलसी के बैठो, वाइजेक के में बैठो, चाहे आप कोल इंडिया के में बैठो, चाहे गेट में बैठो, चाहे ये सबका एग्जाम निकलेगा भैया, गलती क्यों कर रहे हो? यही तो चीज, यही तो होता है कोड का पर्पस, कि ये चीज कौन सिखाएगा हमें? अरे आप लोग हवाबाजी करते हो, ऐसे एग्जाम नहीं निकलेगा कभी जिंदगी में, नहीं निकलेगा, लिख के ले लो मुझसे। अगर आपकी सोच इस तरह की कि लो मैं 4 महीने पहले ये पढ़ूंगा, फिर 4 महीने में, नहीं बेटा, इंजीनियरिंग सीख लो एक बार, एक बार डेडिकेशन के साथ इंजीनियरिंग सीख लो, एक बार अपने ऊपर 1 साल इन्वेस्ट कर दो, 1 साल, 1 साल तो सीखने में लगेगा, फिर उसकी प्रैक्टिस। इसीलिए मैं बेटा हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि ये 1 आध महीने, वो बच्चे जो बिल्कुल फ्रेशर है सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जस्ट पास आउट है, बेटा 2 साल का सबक्यूशन लो, हमेशा इसलिए बोलता हूँ मैं, 2 साल के सबक्यूशन की बात मैं क्यों करता हूँ, इसीलिए करता हूँ क्योंकि 1 साल तो आपको चीजें सीखने में लगेगा, बिलीव मी सर, 1 महीना लगता है सब्जेक्ट कंप्लीट करने में, तमीज से सीखा जाए तो उस लेवल का कि हाँ आप कोई भी एग्जाम निकाल पाओ, तो 1 साल, एक साल आपको देना ही देना है, अपने ऊपर 12 सब्जेक्ट है आपके, तो 12 × 1, एक सब्जेक्ट 1 महीने में, तो 12 सब्जेक्ट में 12 महीने लगेंगे, 1 साल तो बेटा देना ही देना है। उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल निलबटे सन्नाटा कुछ नहीं जानते हैं, 1 साल डेडिकेशन का आपको देना ही देना, फिर उसकी प्रैक्टिस, तब जाके आप बनोगे खतरनाक एकदम, और फिर आप किसी भी एग्जाम में अपियर हुई, फिर चाहे CIL आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, फिर कोई और भी एग्जाम है, सारे एग्जाम निकालोगे। तो दोस्तों आपने कभी सुना होगा बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो हर एग्जाम फोड़ देते हैं, क्यों फोड़ते हैं वो हर एग्जाम? क्योंकि उनको इंजीनियरिंग आती है, उनको एप्टीट्यूड आता है, उनको रीजनिंग आती है, वो नॉन टेक भी जानते हैं, तो वो अपने आप को इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि आ बेटा कौन आएगा सामने से, बाहुबली है वो, तो बाहुबली बनना है या वैसे हवाबाजी करनी है, इट्स अप टू यू। आप हर क्षेत्र में अव्वल, आपको इंजीनियरिंग की अगर नॉलेज होगी ना मेरे बच्चों, इंजीनियरिंग प्लस आपका नॉन टेक्निकल, कोई भी एग्जाम फोड़ दोगे यार, कोई भी एग्जाम, इन चीजों को समझो, कि गधापना मत करो कि एनएलसी आ रहा है एनएलसी की तैयारी कर ली साहब, फिर 2 महीने शांत बैठ गए, फिर वो वीजा गया, वीजा की तैयारी कर ली, ऐसे नहीं निकलेगा जिंदगी भर, ऐसी करते रह जाओगे, फाइनली चपरासी बनोगे जाके, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, फिर बैंक में बैंक के पेपर भरते भरते फिरोगे फिर आप, प्लीज समझो यार आपकी गलती। देखो आप मुझे क्यों फॉलो करते हो, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, मेरे पास क्या है बेटा एक्सपीरियंस, यही बोलता हूँ ना हर वीडियो में बोलता हूँ कि मेरे पास आपको देने के लिए क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस, वही मैं अभी बोल रहा हूँ आपसे, मेरे एक्सपीरियंस से बेटा काम करो, आगे बढ़ो, डेफिनेटली आप आगे जाओगे। आप सुनने ही नहीं चाहते, आपको लगता है कि नहीं आप बहुत बड़े 30 मार्क खाओ, हाँ 30 मार्क का वो जरूर बन सकता है जिसने कई बार एग्जाम निकाल रखे हैं, जिसने अभी तक एग्जाम ही नहीं निकाला और नेता बनना है कि भाई मुझे तो बहुत नॉलेज है, तो बेटा ऐसा है तेरा एग्जाम दोबारा नहीं निकला, फिर नहीं निकलेगा, ऐसे बच्चों का एग्जाम नहीं निकलता जिनको लगता है कि वो 30 मार्क खाए, एग्जाम उनका निकलता है जो डाउन टू अर्थ तरह की चीजों को समझते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ पहले अपने एग्जाम को जानो, गेट क्या चाहता है उसको जानो। आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं मैं, हमारा एक दूसरा जो चैनल है लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी मैकेनिकल, उसमें मेरा एक वीडियो है नो योर गेट एग्जाम, नो योर गेट एग्जाम, इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए, नो योर गेट एग्जाम, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, इस वीडियो को देखिए, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी, नो योर गेट एग्जाम बाय गौरव बाबू, सर्च मार लेना यूट्यूब पे। तो दोस्तों जानो पहले, समझो सही एग्जाम क्या चाहते हैं, मुंह उठा के आप हर चीज के पीछे भागोगे कभी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपका बेसिक तो मजबूत ही नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ आपका बेस मजबूत होगा, अनअकैडमी प्लस आपको वो चीज देगा जिससे आपके सारे एग्जाम निकलेंगे, और आप मेरी गाइडलाइन में आते हो तो बेटा फिर तो बस समझ ही जाओ आप, ठीक है? तो ये बेटा प्राइस सब्सक्रिप्शन की लिस्ट है, मतलब जो हमारे अनअकैडमी का प्राइस है उसकी लिस्ट है, तो इसको एक बार देख लीजिए, 12, 24 महीने, 18 महीने, 12 महीने, ठीक है? जैसे आप मेरा कोड यूज करेंगे GPS लाए, तो सबसे पहले तो आपको एक बेहतर मेंटर मिलेगा, आप मेरी गाइडलाइन में, मैं हमेशा बेटा एक ही बात के ऊपर बात करता हूँ, देखो पढ़ाने की बात ही नहीं करता मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ है तो मेरी मेंटरशिप है, और कुछ नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कभी नहीं बोलता मैं कैसा पढ़ाता हूँ, मैंने कभी नहीं बोला, ना कभी बोलता, मैं कभी नहीं बोला मैंने बेस्ट पढ़ाता हूँ, मैं कभी नहीं बोला मैंने, चेक कर लेना आज तक मेरे वीडियो आपने देखा हो, हाँ बेस्ट बेस्ट बेस्ट, तो बता दो बेटा मुझे, मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा मैं क्या पढ़ाता हूँ मैं नहीं जानता, आप जज करो आपको क्या लगता है, लेकिन हाँ मेरे पास एक चीज बेस्ट है, वो है मेरा एक्सपीरियंस, वो है मेरी मेंटरशिप। यस जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप बेटा, मैं आपको आपके डर को खत्म करूंगा, मैं आपको बताऊंगा बेटा कैसे चीजें होनी है यार, बस यही मेरे पास है, बाकी मैं क्या पढ़ाता हूँ, सर सब लोग बोलते हैं मैं बेस्ट पढ़ाता हूँ, मैं बेस्ट पढ़ाता हूँ, मैं बेस्ट, मैं भैया मैं नहीं पढ़ाता भाई, मैं नहीं पढ़ाता बेस्ट, मैं क्या पढ़ाता हूँ आप खुद जज करो यार, खुद देखो जाके, वीडियो देखिए, मेरे स्पेशल क्लासेस देखिए, मेरे सोम की सीरीज देखिए, सोम की सीरीज नहीं देखी कुछ नहीं देखा, उसके बाद जज करिए, उसके बाद जज करिए कि हाँ भाई आपको GPS लाइव डालना है या कुछ और कोड डालना है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, फिर जज करो कि GPS लाइव डालना है, क्योंकि बेटा पढ़ाते तो सब है, सब बढ़िया पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता नहीं हूं मैं जगाता हूं, मेरी खास बात यही है, मैं आपको बता दूं मैं आपको पढ़ाने नहीं आया, मैं आपको जगाने आया हूं, क्योंकि आप गधे हो, सोते हुए आपको लगता है कि नहीं मैं विजाग आ रहा तो विजाग पढ़ लूंगा, ये आ रहा तो ये, और ऐसे बच्चों से सिलेक्शन नहीं होता भाई,
गलत मत सुन समझिएगा मेरी बात को, रियलिटी बता रहा हूँ बेटा, आपकी कमी बताना मेरा काम है। आपकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप उल्टे सीधे कामों में लगे हुए हो, आप आपको पता ही नहीं अब तैयारी कैसे की जाती है, और आप सुनना भी नहीं चाहते। आपको लगता है कि नहीं सॉम पढ़ लेंगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं होगा भाई। अच्छा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, अच्छा कंटेंट पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, अच्छे वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होता है, अच्छे फैकल्टी को फॉलो करने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन होता है सटीक स्ट्रेटजी से, सिलेक्शन होता है कितना पढ़ना है उससे, और यही चीजें बताने के लिए होता है मेंटर। तो बेटा मुझे मेंटर बना बनाइए और मेरा कोड डालिए जीपीएस लाइव, क्योंकि मेरे पास भैया कुछ नहीं है, भैया चाचा मैं आपके हाथ जोड़ लूं पैर छोड़ू, मेरे पास सिर्फ मेंटरशिप है बेटा और कुछ नहीं है। मैं क्या पढ़ाऊंगा कैसे पढ़ाऊंगा सब बेकार है, सब बेकार है अगर मेंटरशिप अच्छी नहीं है तो। ऑल इन वेन इफ योर मेंटर इज वर्स्ट एंड ऑल इज गुड इफ योर मेंटर इज गुड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कितने भी आप 30 मार्क का फैकल्टी से पढ़ लो, अगर वो आपकी बेसिक चीजों पर ध्यान नहीं देता, आपके मेंटल प्रेशर को कम नहीं कर पा रहा, आपको खुश हैप्पीनेस नहीं दे पा रहा है, तो बेटा आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। हमेशा याद रखना, कोई भी एग्जाम निकालने के लिए आपको बहुत पीस चाहिए, शांति चाहिए, आपका दिमाग ठंडा होना चाहिए। आपको क्या लगता है आप प्रेशर में काम करेंगे बेटर कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। मेरा सबसे पहला काम होता है प्रेशर को कम करना, इसीलिए बेटा मेरे कोड को यूज करिए जीपीएस लाइव, ठीक है? बाकी चॉइस इज योर, बॉल इज इन योर कोर्ट, सब अच्छा पढ़ाते हैं बेटा, चॉइस इज योर, ठीक है? नाउ सो इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन मैसेज मी ऑन अनअकैडमी है, वहां पे अपना नंबर शेयर कर लूंगा बेटा आपसे, कॉन्टैक्ट नंबर, और डेफिनेटली हम लोग आपस में कॉन्टैक्ट पे फोन पे बात कर पाएंगे, ताकि आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर पाऊँ। बाकी दोस्तों सब्सक्रिप्शन की लिस्ट यहाँ पे है, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आफ्टर डिडक्शन आपको पड़ता है 39,600 का, इसको आप बेटा ईएमआईज में भी पे कर सकते हैं। 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 34,650 का पड़ता है। 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन वो लोग ऑप्ट करे जो जस्ट पास आउट है, और जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में है और जस्ट पास आउट भी है वो भी 24 महीने का ऑप्ट करे, क्योंकि जहाँ बेटा आप 35,000 के आसपास दे रहे हो तो वहाँ 39,000 भी आप दे सकते हो, उससे क्या होगा आपको 6 महीने और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। बाकी जो ऑलरेडी तैयारी करके बैठे हुए हैं, कई बार कहीं उल्टी सीधी कोचिंग में चले गए थे, तो भैया ऐसा है आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लें, और जो गेट 2021 देने जा रहे हैं वो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन अभी ले सकते हैं, क्योंकि अभी नवंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर जनवरी आपका बचा हुआ है, ठीक है? तो ये थी बेटा सब्सक्रिप्शन के बारे में बात। तो बढ़ते हैं आगे, एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है, इसमें बेटा आपको एक अलग से पर्सनल कोच मिल जाता है मेरे अलावा, वो जो कि आपकी स्टडी को ट्रैक करता है, आपको सारे असाइनमेंट मॉड्यूल जो भी है वो सब प्रोवाइड करवाएगा, पूरा स्टडी मटेरियल उसके हाथ में रहेगा, ठीक है? बाकी जितने प्लस के बेनिफिट्स है वो भी आपको मिलेंगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें एक आपको एडिशनल मेंटर मिलता है, ठीक है? सो इसको इसकी जो फी है बेटा थोड़ी सी ज्यादा है, 12 महीने की भी 45,000 है और 24 महीने की भी 60,000 है। अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे जीपीएस लाइव तो अगेन आपको इस बेटा इस पर 10% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स? बाकी अगेन आई एम टेलिंग यू, कोई भी दिक्कत है अनअकैडमी के ऐप पे मैसेज करिए, या लेट्स क्रैक गेट इन ईएससी में जो मेरी सॉम की सीरीज है वहां से मेरा नंबर निकाल लीजिए और डायरेक्टली मैसेज करिए, ठीक है फ्रेंड्स? तो आइए करते हैं शुरुआत लेक्चर की। सो आज दोस्तों मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इन मेटल कटिंग, ठीक है? बहुत छोटा था, 1/4 भर का कॉन्सेप्ट, देखो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इनसे आप आगे बढ़ोगे, ठीक है? और मैं बिल्कुल वही चीजें करा रहा हूँ जो गेट में आती है, मैं ज्यादा एडिशनल कोई चीज नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि दिस इज अ कैप्सूल कोर्स, ठीक है? सो सी केयरफुली, क्या बोला मैंने, पावर, पावर इन मेटल कटिंग, टॉपिक है पावर इन मेटल कटिंग। डियर फ्रेंड्स अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज अ रिकॉर्डेड वीडियो, अगर आप कमेंट कर रहे हो कुछ भी मुझे नहीं पता चल रहा है ना, तो नेता बनने की जरूरत नहीं है, दिस इज अ रिकॉर्डेड वीडियो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि अभी नवंबर नवंबर तक मैं सारे वीडियो रिकॉर्ड ही करूंगा, ठीक है? तो दिस इज अ रिकॉर्डेड वीडियो, कोई भी आपको इंक्वायरी है, कोई भी क्वेरी है, डायरेक्टली मुझे अनअकैडमी के ऐप पे मैसेज करिए। चलिए, सो पावर इन मेटल कटिंग, इसके लिए थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूँ, अभी आप बोलोगे गौर से समझ में आ गया, बस 2 मिनट सुन लेना मुझे। ये डायग्राम हम कई बार देख चुके हैं मेटल कटिंग के अंदर, मैंने बताया था सारा खेल इस डायग्राम का ही होता है। माय डियर फ्रेंड्स व्हाट आर यू सीइंग हियर, यू कैन इजीली सी इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स होता है, कटिंग फोर्स एफ सी, और इसी डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी होती है कटिंग वेलोसिटी वी। सो भैया चाचा फूफा ऐसा है, फोर्स और वेलोसिटी अगर एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो तो उनका मल्टीप्लाई करने से क्या मिलती है हमें, पावर मिलती है, खत्म। तो भैया एफ सी का और वी का मल्टीप्लाई कर दो तो जो पावर मिलेगी दैट विल बी टर्म्ड एज कटिंग पावर, क्या बोलेंगे उसको हम, कटिंग पावर। तो सबसे पहली पावर जो होती है दैट इज द कटिंग पावर, और यू कैन से मेन पावर, ये सबसे बड़ी पावर एक तरह से होती है, दिस इज द कटिंग पावर, दैट इज एफ सी इंटू वी, खत्म। फोर्स इंटू वेलोसिटी पावर को रिप्रेजेंट करता है, खत्म, एफ सी इंटू वी, कटिंग वेलोसिटी।
आप यूनिट चेक करना चाहते तो कर सकते हैं। इसकी यूनिट होती है न्यूटन, और वेलोसिटी की यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो ये बन गया न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर को बोलते हैं जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड क्या हो गया, जूल क्या है, एनर्जी की यूनिट है, तो एनर्जी पर सेकेंड, और एनर्जी पर सेकेंड को बोलते हैं वाट, विच इज द पावर ऑफ, विच इज द यूनिट ऑफ पावर। क्लियर? सो ये आगे बेटा कटिंग, कटिंग ये क्या लिख दिया मैंने, कटिंग, कटिंग पावर, कौन सी पावर, कटिंग पावर इज द कटिंग पावर और द मेन पावर, यही सबसे बड़ी पावर है जो हम अपने टूल को आगे बढ़ाने में लगाते हैं। फिर ये पावर बेटा दो जगह डिवाइड होती है, कैसे, फिर यहां से शियर प्लेन टूटता है, एफ सी एफ एस, तो शियर प्लेन पे फोर्स लगता है एफ एस, और यहाँ पे भी एक वेलोसिटी होती है बेटा, ये तो एफ एस हो गया, और यहीं पे वेलोसिटी भी होती है, दैट इज व्हाट, वी एस। तो सेम डायरेक्शन सेम फोर्स, मतलब सेम एफ एस की डायरेक्शन और वी एस की डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी हमारी शियर पावर, कौन सी पावर, शियर पावर। तो एक आता है शियर पावर, शियर पावर दैट इज व्हाट, एफ एस इंटू वी एस, शियर वेलोसिटी इंटू शियर फोर्स, खत्म, ये शियर पावर बन गया। अब इधर आइए बेटा, जरा इधर हमारा क्या होता है, इधर हमारा वी सी होता है, वी सी, और इधर ही हमारी फ्रिक्शन फोर्स भी होती है, अगर फ्रिक्शन फोर्स, हालांकि चिप पे देखे तो नीचे की तरफ है, चिप पे देखे तो नीचे की तरफ है, बस सरफेस पे देखो तो ऊपर की तरफ है ना, तो अल्टीमेटली वेलोसिटी की डायरेक्शन तो इधर ही है ना, मतलब फोर्स की डायरेक्शन तो दोनों तरफ होती है, ये भी पढ़ाया था मैंने। तो चिप की वेलोसिटी और फ्रिक्शन वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी चिप की वेलोसिटी एंड फ्रिक्शन फोर्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिल जाएगा, फ्रिक्शन पावर मिल जाएगी। तो तीसरा क्या हो गया, फ्रिक्शन पावर, फ्रिक्शन पावर क्या हो जाएगा बेटा, मैंने बताया था डू नॉट गेट कंफ्यूज, फोर्स की डायरेक्शन दोनों तरफ है, तो भैया जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स भी है, तो कितना हो गया, एफ एफ इंटू वी सी, तो ये क्या बन गई, फ्रिक्शन पावर। तो ये तीन पावर बेसिकली होती है जिसमें सबसे बड़ा अमाउंट होता है इसका, दिस द कटिंग पावर, शियर पावर एंड फ्रिक्शन पावर। बताइए बेटा क्या दिक्कत है इसमें। अब मैथमेटिकली जो कटिंग पावर होती है वो एक्चुअली दो जगह डिवाइड हो रही है, सो फाइनली देखिए क्या आने वाला है, कटिंग पावर, कटिंग पावर और द टोटल पावर, वी कैन से दैट ये टोटल पावर है हमारी, है ना, टोटल ये होती है, टोटल पावर इज इक्वल टू शियर पावर प्लस प्लस शियर पावर प्लस फ्रिक्शन पावर, फ्रिक्शन पावर। तो कटिंग पावर हो जाएगी एफ सी इंटू वी इज इक्वल टू एफ एस इंटू वी एस प्लस एफ एफ इंटू वी सी, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ये आ गया बेटा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, एक और चीज याद रखेंगे, ये पावर जाती कहाँ है, ये पावर जो जितनी भी पावर है बेटा ये अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट होती है, इज ऑल पावर आर कन्वर्टेड इंटू हीट, ये हीट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा जब कटिंग होती है तो चिप वगैरह वर्कपीस भी गर्म हो जाता है, चिप भी गर्म हो जाती है, टूल भी गर्म हो जाता है, तो अल्टीमेटली ये सारी पावर एक तरह से कन्वर्ट होती है किसमें, हीट में। तो कई बार वो आपसे हीट हीट के टर्म में बात करेगा, वो बोलेगा हीट निकालिए, तो ये मैं सोचना कि भैया ये तो थर्मल का क्वेश्चन आ गया, नहीं भैया थर्मल का क्वेश्चन नहीं है, वो आपसे पूछेगा कि हीट बताइए अलोंग द शियर प्लेन, कि यहाँ कितनी हीट जनरेट हुई, या वो पूछेगा डिटरमाइन द रेट रेट ऑफ हीट जनरेशन एट द टूल चिप इंटरफेस, ये टूल और चिप का इंटरफेस है। ठीक है, या वो पूछ लेगा कि कटिंग पावर कंजम्पशन बताइए, कटिंग पावर कंजम्पशन कितना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इन चीजों को याद रखेंगे। ठीक है, तो हमने पावर इतनी लगाई वो अल्टीमेटली शियर प्लेन को तोड़ने में और फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने में कंज्यूम हो जाती है, तो इन दोनों जगह पे क्या डेवलप होती है, हीट डेवलप होती है। ठीक है, शियर प्लेन पे हीट डेवलप होगी और हमारा तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी शियर जोन बोलते हैं, दैट इज टूल चिप इंटरफेस, टूल और चिप के इंटरफेस पे हीट डेवलप होगी और शियर प्लेन पे हीट डेवलप होगी। तो हीट के कॉन्टेक्ट, हीट के रेस्पेक्ट में भी आपसे पूछ सकता है, तो उस टाइम पे घबराना मत, समझ जाना कि वो किसकी बात कर रहा है, वो कटिंग पावर पावर्स की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आते हैं, करते हैं न्यूमेरिकल। कल मैंने बेटा आपको न्यूमेरिकल करवाया था और मैंने रोक दिया था वो न्यूमेरिकल, मैंने बोला था कि इसको कल कराऊंगा, ये रहा वो न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे कल, जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा तो बेटा देख लो। अब वो क्या पूछ रहा है आपसे, वो पूछ रहा है सी केयरफुली
वो पूछ रहा है, ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी करके बैठे हुए। शियर फोर्स की जो वैल्यू आई थी कल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एफ एस की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 180 न्यूटन। एक बार चेक कर लीजिएगा बेटा, है ना, कल का वीडियो चेक कर लीजिएगा। अब रेट ऑफ द हीट जनरेशन अलोंग द शियर प्लेन, यानी कि क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ हीट जनरेशन अलोंग द शियर प्लेन यानी शियर पावर पूछ रहा है। अभी पढ़ा है मैंने, शियर पावर पूछ रहा है। ये क्वेश्चन कल करा चुका हूँ बेटा मैं, है ना, इसका आधा पार्ट आज करेंगे। तो शियर पावर, शियर पावर क्या हो जाएगी बेटा, शियर पावर एस पी बोल देता हूँ इज इक्वल टू एफ एस इंटू वी एस। अब बेटा देखो, एफ एस तो हमें पता है, वी एस हमें नहीं पता, बट उसने हमें कटिंग वेलोसिटी दे रखी है, ये रही वी दे रखी है, कटिंग वेलोसिटी वी, जिसकी वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों याद करो, मैंने आपको वेलोसिटी ट्रायंगल पढ़ाया था, जहां पर हमने वेलोसिटी के रिलेशन देखे थे इसी सीरीज में बेटा, कहीं और नहीं, यही पढ़ाया था पिछले वीडियो में, देख लीजिएगा जरा एक बार। तो क्या रिलेशन पढ़ा था बेटा हम लोगों ने, एक रिलेशन पढ़ा था, मैं दिखा देता हूँ आपको, मुझे याद है वो, वी सी अपॉन कॉस फाई, वी सी अपॉन साइन फाई, सॉरी साइन फाई इज इक्वल टू वी अपॉन कॉस फाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू वी एस अपॉन कॉस अल्फा, वी एस अपॉन कॉस अल्फा, याद आ रहा है, ये मैंने रिलेशन पढ़ाया हुआ था। ठीक है, यहां से तो रिलेशन हमारा क्या आ गया था, वी सी अपॉन वी इज इक्वल टू साइन फाई अपॉन कॉस फाई माइनस अल्फा, ये वाला, इन दोनों को इक्वेट किया तो, है ना। अब क्योंकि हमें वी दे रखी है, फाई बेटा कल हम निकाल के बैठे हुए, अल्फा हमें पता हुआ, पता है इस क्वेश्चन का कितना है, वी एस हमें निकालना है, तो बेटा इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इसको और इसको। तो इक्वेट किया तो क्या मिला, देखो जरा ध्यान से, इस पेज पर कर देता हूँ मैं, यहां से हमें मिलेगा वी अपॉन कॉस फाई माइनस अल्फा इक्वल टू वी एस अपॉन कॉस अल्फा। तो यहां से वी एस कितना आ गया बेटा, वी एस आ गया, वी वी की वैल्यू है 2 इंटू कॉस, अल्फा की वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाय, इस क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू 0 थी बेटा, इस वाले क्वेश्चन में, है ना, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, मैं माफी चाहूंगा दोस्तों, मैंने बताया कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ बेटा, स्मार्ट बोर्ड पे आऊंगा, सब कुछ बेहतर वे में मिलेगा आपको, तो अभी बस आपका लॉस ना हो इसलिए क्लासेस ले रहा हूँ मैं, वो भी रिकॉर्डेड बना बना के बेटा। इस वक्त मैं बाहर हूँ, मैं अपने होम टाउन में भी नहीं हूँ, ना मैं अपने स्टूडियो सेटअप में हूँ, मैं बहुत दूर हूँ, फिर भी आपको मैं वीडियो बना के भेज रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। ठीक है, तो कॉपरेट करिए थोड़ा सा, ये मत सोचिएगा कि अरे गौरव साहब छोटी सी स्क्रीन पर आ रहे हैं, बेटा मैं स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, बट अभी मैं अपने होम टाउन में नहीं हूँ, ना ही मैं अपने स्टूडियो वाले जगह पर हूँ, ठीक है, मैं बहुत दूर हूँ, मैं इस वक्त एक होटल में वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बाहर आया हूँ एक्चुअली, जस्ट फॉर यू गाइज, तो थोड़ा सा कॉपरेशन चाहिए ना। नाउ तो ये हो गया वी एस, हो गया वी इंटू कॉस अल्फा और अपॉन फाई, फाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में आई थी कल 26.56 माइनस 0। तो सॉल्व कर लेते हैं बेटा, कितना आंसर आ गया, चेक इट आउट, टू पॉइंट टू थ्री आ रही है, शियर वेलोसिटी आ रही है 2.235 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी वेलोसिटी आ रही है, तो बेटा 2.235 आ रही है, यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 180 × 2.235 मीटर पर सेकेंड। तो कितना आ गया, 180 से मल्टीप्लाई करते हो, 402.5, 402.5 वाट जूल पर सेकेंड, खत्म। तो कितना आसान है बेटा, बताइए क्या है बेटा, मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं यार, कुछ भी नहीं है, बिलीव मी, मशीनिंग से अगर डर लगता था कभी आपको, अब नहीं लगेगा, एक बार पढ़िए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, उतना सफिशियंट है आपके लिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ बेटा मैं आप लोगों के लिए, टाइपिंग नहीं करवा पाया हूँ मैं बेटा, जैसा कि मैंने बोला बाहर हूँ मैं, तो मेरे पास क्वेश्चन है, मैं खुद उसको उसका डेटा लिख देता हूँ और आपको जो निकालना बताता हूँ मैं। तो वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइज, इसी तरह से बेटा जो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जो बच्चे गेट 2021 देने जा रहे हैं, इतना करते जाओ, बहुत है ये। तो देखिए, मैं डेटा लिखूंगा केवल, पूरी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, दिया हुआ है इन एन ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन, अनकट चिप थिकनेस दी हुई है आपको, अनकट चिप थिकनेस 0.5 mm, कटिंग स्पीड दे रखी है वी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ब्रेक एंगल 15 डिग्री दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू 15 डिग्री दे रखी है, विड्थ ऑफ कट की वैल्यू आपको दे रखी है 5 mm, 5 mm,
चिप थिकनेस आपको दे रखी है 0.7, T2 आपको दिया हुआ है 0.7 mm, इसके अलावा आपको थ्रस्ट फोर्स दिया हुआ है FT, जिसकी वैल्यू दे रखी है आपको 200। अच्छा, इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट आने वाला है। ओके 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 ओके, एक काम करो, इस वाले क्वेश्चन को अभी ना आप छोड़ो, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि इसमें एक नया कॉन्सेप्ट लगेगा, वो मैं चाहता हूँ ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा उसको, मैं अपने अपने ही नज़र उससे पढ़ाऊंगा, अपने ही वे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को नहीं करा रहा अभी मैं, क्योंकि इसमें लगेगा वो वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसको मैं अभी अभी होल्ड कर रहा हूँ बेटा, नहीं 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 कराऊंगा उसको मैं, और मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ आपको, एक सेकंड दो बस मुझे, क्योंकि इसमें लगेगा एक कॉन्सेप्ट जिसको मैं ब्रह्मास्त्र बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? ब्रह्मास्त्र। तो उस कॉन्सेप्ट को मैं ऐसे बर्बाद नहीं करूंगा, ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र की तरह ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी नहीं पढ़ा रहा भाई मैं इसको, आप जब तक दूसरा क्वेश्चन करो। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं, एक सेकेंड। यस, इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। या एक काम करो, हाँ चलो इसको करते हैं, इसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ, रुको जरा देखते हैं क्या होगा। T1 हो गया 0.5, V हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, अल्फा की वैल्यू 15 हो गई, विड्थ ऑफ कट हो गया 5, T2 हो गया 0.7, FT हो गया 200। चलो लेते हैं एक बार देखते हैं, अगर मान लो ब्रह्मास्त्र यूज होगा तो कर लेंगे, नहीं तो कल ब्रह्मास्त्र पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 1200 न्यूटन, और आपको निकालना क्या क्या, डिटरमाइन, देखते हैं, लेट्स सी कि ब्रह्मास्त्र यूज होगा कि नहीं, वरना कोई बात नहीं इसको कंटिन्यू करेंगे। आपको तीन चीजें निकालनी है, सबसे पहला कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, दूसरा आपको निकालना है फाई एंड शियर स्ट्रेन एप्सिलॉन, और तीसरा आपको निकालना है, तीसरा निकालना है परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी, परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी डिसिपेटेड डिसिपेटेड टू फ्रिक्शन फ्रिक्शन एट टूल चिप इंटरफेस, ये बेटा आपको निकालना है। चलिए करते हैं, इसमें इसमें नहीं होगा शायद, मुझे नहीं लग नहीं रहा, नहीं होगा ब्रह्मास्त्र यूज नहीं होगा इसमें, ब्रह्मास्त्र वाला कंसेप्ट कल पढ़ाऊंगा, अभी इसको करते हैं, ठीक है, मजा आएगा आपको ब्रह्मास्त्र वाले कंसेप्ट में। चलिए फिलहाल देखिए, सो दोस्तों बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, करते हैं यार इसको, सो लेट्स हैव अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो बेटा क्या दिया है, T1 दिया है, T2 दिया है, सब कुछ दिया हुआ है। एफ से देखो, मैंने उस दिन भी बताया था, FT और FC मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए, FT और FC अगर कोई मुझे दे दे तो आधा काम तो हमारा वैसे हो जाता है। अल्फा की वैल्यू भी दी, मतलब मजा आ गया इस क्वेश्चन में। देखो बेटा अब FT और FC दिया हुआ है, बेटा मैं मर्चेंट सर्कल का वाला हिस्सा यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, जो हम लोग बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं। ये कौन सा हिस्सा हो गया, ये हो गया रिजल्टेंट आर, ये हो गया FC जिसकी वैल्यू दे रखी है आपको 1200, ये क्या हो गया, ये हो गया FT जिसकी वैल्यू आपको 200 दे रखी है। ये एंगल कितना होता है बेटा मर्चेंट सर्कल में, बीटा माइनस अल्फा। तो बेटा क्या मैं इसमें टेन बीटा माइनस अल्फा लगा सकता हूँ, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, जिसकी वैल्यू होगी 200/1200, होगी कि नहीं होगी। यहां से बेटा टेन का इन्वर्स ले लूंगा मैं, तो ये हो गया बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू पुट करी मैंने 15, बीटा माइनस 15 इज इक्वल टू टेन इनवर्स, टेन इनवर्स ऑफ व्हाट, 200/1200, कितना आ गया बेटा, ये यहाँ से बीटा निकाल लेंगे हम लोग, 200/1200, एंड दिस इज द टेन इनवर्स ऑफ आंसर, ठीक है, ये आ रहा है 9.6, और इसमें प्लस कर दी, एक सेकेंड, 200/1200 टेन इनवर्स ऑफ आंसर, और इसमें प्लस ऐड कर दिया 15, 24.46, तो बीटा की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 24.46। देखो तो सिंपल, स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, कुछ नहीं है, सबसे आसान है मशीनिंग के क्वेश्चन। बीटा आ गया बेटा, पूछ कह रहा है कोफिशिएंट फ्रिक्शन, पूछ रहा है कोफिशिएंट फ्रिक्शन क्या होता है, टेन बीटा, लो साहब कौन सी बड़ी चीज, गौरव सर लो, टेन बीटा निकाल दिया गौरव सर मैंने, क्या है इसमें, टेन बीटा को म्यू बोलते हैं, बीटा की वैल्यू पुट कर दी,
टेन 24.46 कितना आ गया, टेन ऑफ आंसर 0.45 आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है सॉल्व करने के बाद, आफ्टर सॉल्विंग दिस म्यू इज इक्वल टू 0.454549, तो 4.46 मान लो, खत्म, आ गया आंसर, ठीक है, म्यू की वैल्यू आ गई। अब देखो अल्फा हमें पता है, बीटा हमने यहां निकाल लिया, दो एंगल हमें पता चल गए, सी टी वन दिया है, टी टू दिया यानी कि स्मॉल आर दिया है, स्मॉल आर क्या होता है, स्मॉल आर होता है निकट, सॉरी चिप थिकनेस रेशियो, चिप थिकनेस रेशियो निकाल लेंगे बेटा हम, चिप थिकनेस रेशियो कितना आएगा, देखो चिप थिकनेस रेशियो आएगा टी वन की वैल्यू दे रखी है 0.5 डिवाइडेड बाय 0.7, कितना आ गया बेटा ये 0.5 डिवाइडेड बाय 0.7, ये वैल्यू आ गई 0.714, 0.714, ये हमारा आर निकल आया बेटा, आर निकल आया। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू 15 डिग्री है, क्या सिखाया मैंने, आर और अल्फा अगर पता है, ये आर है बेटा स्मॉल आर, आर और अल्फा अगर पता है तो फाई निकाल लेंगे हम, तो टेन फाई का फॉर्मूला लगा दिया, टेन फाई इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा अपॉन वन माइनस आर साइन अल्फा, वैल्यू पुट करिए आर की यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करिए, आर की वैल्यू नीचे पुट करिए, साइन यहाँ पे पुट करिए, कितना आंसर आ रहा है मैं बताता हूँ, देखो 15 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, एक सेकेंड कितना है ये 0.714 कॉस 15 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.714 इनटू साइन 15 एंड इनवर्स ऑफ आंसर 40.23, फाई की वैल्यू आ रही है 40.23, 40.23 दूसरा आंसर ये आ गया भाई, येरा पाई पूछा था उसने, येरा फाई निकाल दिया हमने। अब पूछ रहा है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मतलब शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन क्या होती है बेटा, एप्सिलॉन का फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने, क्या लिखा हुआ है, टेन फाई प्लस कॉट फाई माइनस अल्फा सब पढ़ा हुआ है बेटा, तो यहाँ पुट कर दिया मैंने 40.23 माइनस 15 आ रहा बेटा 2. एक सेकेंड, ओहो गलती कर दी सॉरी, कॉट फाइव प्लस टेन फाइव माइनस अल्फा, एक सेकेंड कॉट फाइव यहां लिखता हूं, कॉट फाइव प्लस टेन फाइव माइनस अल्फा, सॉरी टेन फाइव माइनस अल्फा, दिस इज द एप्सिलॉन, ठीक है ये एप्सिलॉन का फॉर्मूला होता है, तो कॉट फाइव, कॉट का मतलब 1 डिवाइडेड बाय 10 ऑफ 40.23, ये आ गया कॉट की वैल्यू, प्लस 10 40.23 माइनस 15 तो यार 1.65, तो यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आ रही है 1.65, बताओ बेटा क्या है, मतलब क्या करूँ इसमें मैं, कितना आसान है, ये आंसर आ गया खत्म। अब पूछ रहा परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी डिसिपेटेड टू द फ्रिक्शन एट टूल चिप इंटरफेस, मजा आ गया भाई, बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है इसने, मतलब फ्रिक्शन एनर्जी आपसे पूछ रहा है और टोटल एनर्जी क्या होती है, मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल एनर्जी का कितना हिस्सा फ्रिक्शन में जा रहा है, यानी फ्रिक्शन पावर पूछ रहा है, तो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल पावर निकालेंगे, इंपॉर्टेंट तीसरा केस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम टोटल यानी कि मेन पावर निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड द कटिंग पावर, कटिंग पावर पहले हम निकाल के रख लेते हैं साइड में, तो कटिंग पावर क्या होती है बेटा, एफ सी इंटू वी, एफ सी इंटू वी, एफ सी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 1200 न्यूटन, V की वैल्यू कितनी दे रखी है, V V V V कहाँ है साहब, V दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड इंटू 20, कितना आ गया बेटा ये 12 दूनी 24 मीटर पर सेकेंड है ना, 20 × 1200 24000 20 मीटर पर सेकेंड, में मुझे गड़बड़ लग रही है, मीटर पर मिनट होगा बेटा ये, इसको मीटर पर मिनट करो, इतनी हाई स्पीड नहीं हो सकती, मीटर पर मिनट है ये, ठीक है 20 मीटर पर मिनट, तो कितना कर दिया मेरा मैंने 20 मीटर पर मिनट को 60 से डिवाइड कर दिया तो मीटर पर सेकंड बन गया, तो अब इसको 60 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये आंसर आ गया आपका 400, यानी 400 जूल पर सेकंड टोटल एनर्जी हमारी कटिंग पावर में जा रही है, दिस इज द कटिंग पावर। अब वो पूछ रहा है कि इसका कितना हिस्सा इस कटिंग पावर का, दिस इज द टोटल पावर, इस टोटल पावर का कितना हिस्सा फ्रिक्शन में जा रहा, तो पहले बेटा हमें क्या निकालना पड़ेगा, फ्रिक्शन पावर निकालनी पड़ेगी, और फ्रिक्शन पावर के लिए मुझे दो चीज करनी पड़ेगी, क्या क्या,
फ्रिक्शन पावर के लिए मुझे फ्रिक्शन फोर्स पता लगाना पड़ेगा और मुझे फ्रिक्शन वेलोसिटी पता लगानी पड़ेगी, मतलब चिप वेलोसिटी। तो चिप वेलोसिटी निकालना तो हमारे लिए आसान है, कैसे? तो वी सी अपॉन वी क्या होता है? वी सी अपॉन वी होता है आर के बराबर, वी सी अपॉन वी आर के बराबर होता है। वी सी हमें नहीं पता, चिप वेलोसिटी हमें नहीं पता, आर हमें पता है 0.714, ये निकाला थोड़ी देर पहले, ये रहा, इंटू वी, वी की वैल्यू है 20 मीटर पर मिनट, तो 20 × 0.714 ये आ गया बेटा 14.28, यानी वी सी की वैल्यू आ गई 14.28 मीटर पर मिनट। मीटर पर मिनट में है बेटा भी, है ना, ध्यान रखिएगा। अब एफ सी और पता चल जाए तो काम बन जाए, सॉरी एफ एफ फ्रिक्शन फोर्स और पता चल जाए तो काम बन जाए। फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकलेगा बेटा? उसके लिए मुझे क्या चाहिए? देखो तीनों एंगल के हमारे पास हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे पास फाई है, हमारे पास अल्फा है, और हमारे पास शायद बीटा भी है। ये रहा बीटा है, अल्फा है, और फाई है, तीन एंगल है बेटा। क्या चाहिए, क्या चाहिए? आर और मिल जाए तो मजा आ जाए। तो आर कौन देगा हमें? आर कौन देगा हमें? आर हमें देगा ये वाला ट्राइंगल, ये रहा एफ सी और एफ टी वाला ट्राइंगल। तो आर की वैल्यू क्या होती है? एफ सी का स्क्वायर यानी कि 1200 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर, यहां से आर मिलेगा। बताइए और क्या चाहिए आपको? इससे इजी क्वेश्चन मुझे दिखा दो कि नहीं गौर सर, इससे इजी क्वेश्चन ये है। अरे सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं बेटा इस मशीनिंग के। तो आर की वैल्यू आ रही है 1216, आफ्टर सॉल्विंग दिस ये वैल्यू आ रही है 1216.55 न्यूटन। बताइए कितना आसान है। अब आर पता चल गया, तीनों एंगल पता चल गए, अब क्या चाहिए? आग लगा दो। अरे यही तो सिखाया था दिन से मैंने, क्या लगा दो? आग लगा दो। तो बिल्कुल सही आ रही है, 1216 ही आ रही है। तो बेटा आर की वैल्यू आ गई, कैपिटल आर की वैल्यू आ गई 1216, कैपिटल आर इज 1216.55 न्यूटन। और बेटा एफ सी क्या होता है? एफ एफ सॉरी एफ एफ फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? आर साइन बीटा, सब पढ़ाया हुआ है मैंने। फ्रॉम द मर्चेंट सर्कल वी नो दैट एफ सी एफ एफ इज इक्वल टू आर साइन बीटा। आर की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1216.55, 1216.55 इंटू साइन बीटा। बीटा की वैल्यू कितनी थी बेटा? बीटा की वैल्यू थी, बीटा कहाँ गया? 24.46, ये रहा 24.46, 24.46 कितना आ गया बेटा ये? इनटू साइन 24.46 503 आ रहा है। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ रही है 503.72 न्यूटन्स, ये वैल्यू आ रही है बेटा। इतनी वैल्यूज आपको मिल रही हैं। अब क्या हम फ्रिक्शन पावर निकाल सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो फ्रिक्शन पावर, फ्रिक्शन पावर कितनी हो जाएगी बेटा? एफ एफ इंटू वी सी। एफ एफ की वैल्यू आई है 503.72 और वैल्यू आई थी, वेलोसिटी की वैल्यू आई थी 14.28 मीटर पर मिनट, 60 से डिवाइड कर दिया मीटर पर सेकेंड, 14.28 डिवाइडेड बाय 60 ये आ रहा है 119.88। तो फ्रिक्शन पावर एफ पी जो आ रहा है दैट इज 119.88 जूल पर सेकंड, मतलब वॉट, इतनी वैल्यू आ रही है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये फ्रिक्शन पावर टोटल पावर का कितना परसेंट है? तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ फ्रिक्शन पावर किसके रेस्पेक्ट में? टोटल पावर के में। तो फ्रिक्शन पावर डिवाइडेड बाय टोटल पावर, टोटल पावर इंटू 100, परसेंटेज ऐसे निकालता है आई थिंक। तो जो हो गया 119.88 डिवाइडेड बाय टोटल पावर कितना आ रहा था बेटा? 400 आ रहा था, टोटल पावर आ रहा था 400 इंटू 100, तो मैंने इसको 400 से डिवाइड कर दिया, इट इज कमिंग आउट 29.97, ये वैल्यू आ रही है 29.97%, यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30%, यानी कि टोटल पावर का 30% हिस्सा कहाँ चला जाता है? टोटल पावर का 30% हिस्सा चला जाता है फ्रिक्शन के अंदर। इसका मतलब ये है, बचा हुआ कहाँ चला गया? शियर के अंदर, ठीक है। सो ये था दोस्तों पावर का कॉन्सेप्ट। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं मेरे बच्चों, इतने क्वेश्चन अगर आपने लगा लिए, कुछ नहीं लगाना, जितना पढ़ाता जा रहा हूँ चुपचाप करते जाओ, ये सब गेट में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप कि इस वीडियो समझ में आया होगा। बाकी दोस्तों जिन लोगों को डिटेल स्टडी करनी है, यू कैन यूज माई कोड जीपीएस लाइव,
जिसके थ्रू आप बेटा मेरी मेंटरशिप पा सकते हैं, गौरव बाबू के अंडर में आ सकते हैं। यस, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। कोड का बेटा विशेष ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में भी मैंने वीडियो में बताया है बेटा कोड का क्या महत्व होता है। इस कोड से बेटा आपको मेंटरशिप मिलती है, तो कोड बड़ा सोच समझ के यूज करें, ठीक है फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, कॉन्सेप्ट होगा ब्रह्मास्त्र। उसको मैं ब्रह्मास्त्र बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, ब्रह्मास्त्र। जरूर आइएगा, मजा आएगा आपको उस ब्रह्मास्त्र को समझने में, ठीक है। वो बच्चे जो कभी नहीं पढ़े हैं वो लोग आइए कल से बेटा, आप उठा पटक करने वाले हो क्वेश्चन के साथ, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन के साथ उठा पटक तो अब भी कर रहे होंगे आप, ठीक है। सो दोस्तों, टाइम की बाउंडेशन एज यू नो, तो इतना ही वीडियो बना रहा हूँ अभी, बाकी का काम करेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। काइंडली शेयर कर देना, इतनी मेहरबानी मेरे ऊपर कर देना। ओके गाइज, लव यू ऑल, कल मिलते हैं। थैंक यू गाइज।